कन्यादान वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सब पति होगी और शादी पूरी की जाएगी। शुरू कीजिए कल्याणी। चलो के लिए वरवधु आगे आइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलिकाक्ष, मंगलायतनो हरि। यही मेरी सच्चाई है, जिस मल्हार ने तुमसे प्यार किया था वो तुम्हारे साथ खाई में कूद के मर चुका है। उसकी रूह अब इन रिश्तों की दगाबाजी के नीचे दफन हो चुकी है। अब चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो मल्हार दोबारा जिंदा नहीं होगा। तुम तो अपने आप को मौत की सजा दे चुकी हो संपदा, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए मैं कल्याणी की जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। हमारे इस रिश्ते की सूली चढ़ के कल्याणी को हर रोज मरना होगा, हर रोज मरना होगा। मल्हार, तुम इस तरह गुस्से में उठकर कहां चले गए थे? हमें तो डर लग रहा था कि तुम कल्याणी को लेने के लिए आओगे कि नहीं। अब कल्याणी तुम्हारी अमानत है, ले जाओ इसे। कहां ले जाऊं कल्याणी को? अपनी पत्नी को तुम अपने घर ही लेकर जाओगे ना? अब तो ये वाड़ा ही मेरा घर है, अहिल्या निवास। ये कोई कहने की बात है? इस वाड़े के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहे इस वाड़े में आ सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ संसार तो तुम्हें अपने घर ही बसाना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ आओ साहब, मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने की ही बात कर रहा हूँ। इस अहिल्या निवास में भले ही सालों से आप लोग रहते आए हों, लेकिन ये घर तो मेरा है ना। क्या बकवास कर रहे हो मल्हार? मेरा दिमाग तो ठीक है ना? इनको आप बताएंगी या मैं बताऊं आओ साहेब? हमें विश्वास नहीं हो रहा है मल्हार कि तुम हमारी अच्छाई का फायदा उठाओगे। आप ही ने मुझे ऐसा बनने पे मजबूर किया है आओ साहेब। आपने संपदा की मर्जी के खिलाफ संपदा से मेरी शादी करके हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। आपकी शान, आपकी इज्जत, आपके रुतबे को जिंदा रखने के लिए दो लोगों ने जान दी है। आज आपके घमंड को छुपाने के लिए छत नहीं मिलेगी। आज आपके घमंड को टूटना होगा ओ साहेब।
निकल जाइए मेरे घर से। किसी को अपनी दादी तो किसी को अपनी मां का दर्जा दिया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि संपदा किसी और से प्यार करती है, मुझे अंधेरे में रखते हुए जबरदस्ती उसकी मुझसे शादी की। आज से ये घर मेरा, मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का है। जी देखिए, इस घर में बड़े बूढ़े बच्चे रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो सब? जी प्लीज अपना पैसा बदल लीजिए प्लीज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कल्याणी, तुम्हारे माँ के साथ जो ज्यादती हुई थी आज उसका बदला भी पूरा हो गया। आप लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझसे बिल्कुल भी दया की उम्मीद मत कीजिएगा, मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। मल्हार, मल्हार तुम जो ये अभी कर रहे हो ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, पछताना होगा तुम्हें। और क्या पछताऊंगा आओ साहब, एक लड़की जो किसी और से प्यार करती थी उससे मेरी शादी करके एक पछतावे की भेंट तो आप मुझे दे ही चुकी हैं। कल्याणी तुम यहाँ? प्लीज प्लीज डांटना मत, अब जब भी मुझे डांटते हैं ना मेरी बोलती बंद हो जाती है और फिर मैं जो कहने आती हूँ वो कभी कह ही नहीं पाती हूँ। प्लीज डांटना मत। देखिए मल्हार जी, एक आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। अब मुझे जो पनिशमेंट देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, बस आए और घर वालों को घर से मत निकालिए, प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें। चलो माफ कर देता हूं। सर सिर्फ कपड़े हैं, जिस लड़की को पाल पोस के बड़ा करने में जिंदगी बिता दी मैंने, आज उसी की वजह से डर डर की ठोकरे खाने पे मजबूर हो रहे हैं। नेक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको सब पता। ताई, क्यों मरे हुए को कोस रही हैं आप? भगवान पे भरोसा रखिए, हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। इनका बैग भी चेक कीजिए, बहुत भरोसा करता था मैं इन पे, लेकिन अब समझ में आया है कि इस घर में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर इसमें भी कुछ भी नहीं है। हमें इस घर से बेघर करना काफी नहीं था मल्हार, जो हमारे सामान की तलाशी लेकर हमारा और अपमान कर रहे हो? क्या करूं आओ साहब, मेरा दिल ना बहुत छोटा है, उसमें धोखा और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इन सब के बैग चेक कर लिए है ना, कपड़ों और गहनों के अलावा इन्हें कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है इस घर पे, और इस घर की हर चीज पे अब मेरा हक है। क्या हम इतने गए गुजरे हैं
कि हम अपना सामान लेकर विराम। चलनल साइड में जा। क्यों? मुझे मेरे कपड़े रखने हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखूंगा। ना, मैं बोला ना, मैं अपने कपड़े रखूंगा यहाँ पे। नहीं, पर मुझे रखने मेरे कपड़े हैं। सुनो, झगड़ा मत करो। गोदावरी तुम आ जाओ यहाँ, आ जाओ। यहाँ पे रख दो। अरे विवेक, क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। ओफो। रखो। पल्लवी, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, माफ करना साहब, देखिए ना, सारी साड़ियों की इस्त्री खराब हो गई। अब मुझे वापस सारे कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे। मैं अभी हटा। नहीं, सुना नहीं हमने क्या कहा? हटाओ, हटाओ ये सब। माफ करना उसे। मन तो कर रहा है कि ये बैग उठाऊं और तुम्हारे सर पे पटकूं। नहीं नहीं, निकलो हमारे कमरे से। लेकिन आउसर, ये कमरा तो माइका है ना? क्या कहा तुमने? अरे हो क्या गया तुम्हें पल्लवी? अपने भाई के मौत के बाद तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया क्या? चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। आओ सर, आप और अप्पा इसी कमरे में रहिए, बाकी हम सब तो बाहर आंगन में भी रह सकते हैं। गोदावरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ अगर किसी चीज की कमी होगी ना, तो हम बाहर से खरीद के लेके आएंगे। लेकिन हमें किसी के खैरात की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ माई, पैसे तो पेट पर रुकते हैं। आप जाओगी तोड़कर नई नई चीजें लेकर आओगी, हो कि नहीं? वैसे भी ना माई, आपको ना खैरात की आदत होनी चाहिए। इतने सालों से जो लेती आ रही हो, है ना? देखो, आपको इसकी भले जरूरत ना हो, लेकिन मुझे इन गद्दों की जरूरत है, समझ? अरे क्या चाची, आप भी संभाल के ना थोड़ा। देखो अब लग गई ना, और मैं तो कह रही हूँ अब से ना मुंह भी थोड़ा संभाल के ही खोलिए। अब इतने दिनों से जो चलता आ रहा है उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अभी जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं ना, वो भी आई की ही खैरात है। हाँ हाँ, अब तो तुम इतने बड़े वाड़े की मालकिन हो गई हो, अब तो तुम्हारी बातें भी हमें सुननी पड़ेगी, हो कि नहीं? लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले ना खुद के कपड़े देख लिया करो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शादी के बाद कैसे कपड़े पहने जाते हैं? हाँ, मंगलसूत्र और सिंदूर रोज पहनना चाहिए, और कपड़े भी ऐसे पहनने चाहिए जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार सही हो। पल्लू को दूध पिला देती हूँ, काफी देर हो गई है। A1 डेकोरेशन है ना?
मेरे डिपार्टमेंट वालों ने किया है। क्यों? अब यहाँ पर वही मेरा परिवार है ना, तो मेरे लिए कमरा भी वही सजाएंगे। पर इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब, अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कूल सा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ राजा। इससे बेहतर और कोई गाना नहीं आता तुम्हें? कोई ऐसा गाना गाओ जिससे लोगों को लगे कि मल्हार रानी की पत्नी भले ही शादीशुदा लड़कियों को उनके प्रेमियों के साथ भगाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़े बहुत संस्कार बाकी हैं। कोई ढंग का गाना गाओ। ओ पालनहारे निर्गुण उन्हारे, तुम्हारे बिना हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण उन्हारे। अरे देवा, कहीं कल्याणी मुसीबत में तो नहीं है? ये अचानक भगवान को याद करने वाला गाना क्यों गा रही है? और कल्याणी गाना ही क्यों गा रही है? शुक्र है मल्हार अकेले सो रहा है। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे आँखों में। गाना गा के मेरे दामाद को रिझाने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है इसे कि ये सब करके वो हमेशा के लिए मेरी बेटी की जगह ले पाएगी? मेरे जीते जी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम संपदा की जगह कभी नहीं ले पाओगी कल्याणी। मेरी बेटी जिंदा है और उसके वापस आने तक मैं तुम्हें उसका संसार नहीं उजाड़ने दूंगी। तू नज्म नज्म सा मेरी होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और में भागू रे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं इश्क इश्क सा तेरी आँखों में जागू रे, नज़्म नज़्म सा मेरी। चुप। दूसरा गाना गाओ। आपको तो मेरे हर गाने से प्रॉब्लम है मल्हार जी। मैंने कहा ना, मुझे उल्टा जवाब नहीं चाहिए। अरे अरे, इसे क्या हो गया अचानक से? माफ करना बेटा, लेकिन तेरी आई का घर बचाए रखने के लिए तेरी नानी को तुझे ये दर्द देना पड़ा। बिल्लू रो रहा है। मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। हमारे घरेलू विवाद में बच्चे का क्या कसूर? उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, उसमें उसका क्या दोष है? उसके पिता ने उसे एक ऐसी लड़की के हाथों सौंप दिया है जो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती। मल्हार, मल्हार, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मल्हार, मुझे घर के इस हिस्से में रहने दो, मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी बेटी तो मैं खो चुकी हूँ मल्हार, अब नहीं चाहती कि इस लड़की की वजह से मुझे अपने नवासे को भी खोना पड़े।
मल्हार जी प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बोतल में दूध ठंडा करके ही डाला था। तो कल्याणी दूध खुद ब खुद गर्म हो गया क्या? मैं नहीं जानती मल्हार जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब से पल्लू इस घर में आया है मैंने ही उसे हमेशा दूध पिलाया है, और दूध पिलाने से पहले हमेशा दूध की बोतल चेक की है। इतना तो सिखाया है मुझे मेरी आई ने। अगर तुम्हारी आई ने तुम्हें सब कुछ सिखाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम जानती हो अगर मेरा बेटा ये दूध पी लेता तो क्या हो सकता था? मैंने दूध की बोतल चेक की थी, लेकिन आप क्यों मेरा यकीन करेंगे? क्योंकि हमेशा गलती तो मेरी ही होती है ना, लेकिन अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। आज तेरे इस दूध के चक्कर में ना पिल्लू, मेरा मुंह जल गया। और मुझे भी क्या जरूरत थी, हीरोइन बनने चली थी, गरम गरम दूध पी लिया। सच में यार पिल्लू, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, पर तेरा सही है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। काश मेरी भी लाइफ तेरी तरह होती। वैसे तुझे एक सीक्रेट बताऊं, मुझे ना काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत आलसी हूं मैं। काश मेरा भी ऐसा ही होता, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बस। अंग्रेजों के जमाने की जेलर का कॉल आ गया, तेरे पापा भी ना। हाँ मल्हार सी, बस लेकर आओ बाहर जल्दी। हाँ हाँ, देखा कोई आराम ही नहीं करने देता। बेचारी मच्छी को कोई कैसे खा सकता है? बेचारी की आंखों में दर्द देखो, मौत पर दो आंसू बहाने के लिए कोई है नहीं, लेकिन अभी मसाला लगा के खाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। जी 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 जी। अरे ताई, मच्छी के मौत का इतना दुख है तो अच्छे दाम दे के खरीद लो ना बेचारी को, इसके आत्मा को शांति मिलेगी। कितने की है ये व्हाइट वाली? ये 600 की है। 600? 600 में तो एक हफ्ते की सब्जी आ जाती घर के लिए। अरे क्या ताई, इस बेचारे की जिंदगी की कीमत 600 रुपया भी नहीं है क्या? पता नहीं मल्हार जी को क्या सूझी थी जो मुझे मच्छी बनाने को कह दिया, और मैं हूँ वेजिटेरियन। मौशी, अब कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर मछली नहीं बनेगी। तुलसी विवाह शुरू है ना, तो हफ्ते भर के लिए हम घर पर मांसाहारी खाना नहीं बनाएंगे। अरे तू बेकार, मल्हार जी ने मेहमानों को घर पे बुलाया है और मच्छी बनाने को कहा है मुझे। अरे मुझे तो मच्छी बनाना ही नहीं आता, मुझे तो मच्छी खाना भी नहीं आता, मैं खा। आई आई, बात मत करो, पर एक बार देख। हाँ यार पिल्लू, पता है चावल पालक आलू ये सब खाया जाता है ये मुझे पता है, लेकिन इनके साथ किया क्या जाता है ना, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पता है ऐसा लग रहा है जैसे कल ना मेरे मैथ्स का एग्जाम है और मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। इंटरनेट पे वीडियोस देख के भी तो मैं और कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो लेट्स ट्राई।
माधुरी, तीन लोगों का खाना बनाने के लिए एक कप चावल और शायद से आधा कप दाल लेती थी और तीन आलू लेती थी। ओए, तू क्या इधर उधर देख रहा है? कॉन्सेंट्रेट कर, बोल रही हूँ तुझे, अगर खाना ढंग से नहीं बनाना तो जिम्मेदारी तेरी। हाँ, तीन लोगों के लिए कितना खाना बनाना है वो तो पता चल गया, तो फिर छह लोगों के लिए एक काम करती हूँ, मैं छह लोगों का खाना दो बार बनाती हूँ, यानी कि तीन तीन। यस, वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कल्याणी, मैं तो जीनियस हूँ, है ना? चलो चलो। गोदावरी, गोदावरी। हाँ माई। क्या कर रही थी? वो मैं मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। मोबाइल पे वीडियो देख रही थी? शादी के बाद सासू बाई को क्या जवाब दोगी? खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो देखती थी। गोदावरी, पढ़ाई से समय मिले ना तो थोड़ा सा खाना बनाना भी सीख लो। देख पिल्लू, बाजू के घर में आई की कुकिंग क्लासेस शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, अब छह लोगों के लिए चावल बनाना हो तो कितना कप चावल लोगी? माई, मुझे पता है चावल कैसे बनाते है। हाँ ठीक है, फिर भी सुनो मेरी बात, सुनो, चलो बैठो बैठो, चलो। छह लोगों के लिए कितना चावल लोगी? चार कप, समझी? चार कप चावल। चार? अच्छा हुआ आई ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो मेहमानों को एक कप चावल खिला के ना भूखा मारने वाली थी।